Assalamualaikum to another vlog guys। और आज हम आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज सीन कुछ ऐसे है कि मैं आज 24 घंटे तक जो है गैराज में सर्वाइव करूँगा। सीन कुछ इस तरह के हैं कि ये हमारा गैराज है, ठीक है, और यहाँ पर आज आपका भाई 24 घंटे अगले सर्वाइव करेगा। अभी इस टाइम पे टाइम कुछ हो रहे हैं 11 बज रहे हैं इस टाइम पे, तो नाश्ता हमने कर लिया है और अब हम यहाँ पर अपना सामान वगैरह लेकर आते हैं और चीज़ें वगैरह बैठने के लिए। हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया है यहाँ बैठे हुए और सीन कुछ इस तरह के हैं कि अभी चाय शाय पी के रहे हैं। ज़ुबैर भाई चाय बना के लेकर आए हैं, क्योंकि ज़ुबैर भाई को इजाज़त है अंदर बाहर आने जाने की। आपका भाई आज का दिन यहीं गुजारेगा, तो देखते हैं। धूप आज अच्छी निकली हुई, ठंड नहीं है आज, धूप निकली हुई टका के। देखते हैं कैसे सरवाइव करते हैं हम यहाँ पर अगले 24 घंटे। अरे हाय, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और अभी सिर्फ आधा घंटा गुजरा है, देखते हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप लोग मौसम एंजॉय करें, चेक कर रहे हैं मौसम माशाल्लाह। हाँ जी ज़ुबैर भाई, कुछ कहना चाहेंगे हमारी पब्लिक को आप, कोई पैगाम? सर्दियों में धूप पर बैठे हैं और एंजॉय करें। अच्छा जी, सही है, अच्छा मशवरा है। वैसे ही ज़ुबैर भाई आजकल ज़रा ना थोड़े से ढीले भाई की ना जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है, नाजुक सूरत हाल है बहुत, जिसकी वजह से ना ज़रा वो ठंडे माहौल में बोल रहे हैं, गला ख़राब हुआ, भाई को खांसी हो रही है। ओ भाई साहब यार, मेरे साथ अखीर सीन हो गया। अभी मैं अभी यहाँ सिंक पे आया हूँ हाथों ने, तो भाई जान ये सिंक में ये पड़ा था कोई रस्सी का टुकड़ा। ओए होए होए भाई साहब, इसको देख के मेरी जो हरी है, मुझे लगा साहब आ गया। ओ भाई आपका भाई इतना बुरा हिला ना भाई, ओए होए अभी भी दिल धड़का मेरा भाई, पता नहीं और क्या कुछ मुझे ना गैराज में सहने को मिलेगा, देखते हैं। बाकी आपको भाई आज मैं दिखाता हूँ हमारे जितने भी ये गार्डन में लगे हुए हैं पौधे। वैसे मुझे पता तो है नहीं कि कौन सा है, तुक्के मारते हैं। वैसे एक दो का तो मुझे पता है, जैसे कि ये देखें इसके ऊपर लेमन्स लगे हुए हैं माशाल्लाह, कितने प्यारे प्यारे लेमन्स, ये चेक कर रहे हो। ओए होए होए होए, इसकी गर्मियों में स्कंजी पीने का जो मज़ा आता है भाई, हाय हाय। ये लेमन लगे हुए हैं इधर, यहाँ कुछ नीचे लगी हुई हैं इधर, इसमें पता नहीं बहुत कुछ है इसमें, ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। और यहाँ पर लगा हुआ है ये शायद आम का है, ये वाला आम का है, ये वाला आई थिंक सो। इधर ये भी लगा हुआ है लेमन का, देन ये कोई एक है आम का या फालसे का है। यहाँ पे एलोवेरा जेल लगी हुई है, ये एलोवेरा, ठीक है। देन यहाँ पर जो ये बस फूलों का है, इसके ऊपर फूल लगते हैं, आप नीचे देख रहे हैं पत्तियाँ गिरी भी हुई हैं, इसके ऊपर फूल लगते हैं तो बड़े मज़ेदार के, ये देखें। ये भी एक आधा यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा ख़राब हो गया है। एक उधर वो वहाँ पर भी लगा हुआ है, ये
ये है, ये इधर एक लगा हुआ, ये फालसे का, ये वाला, ये वाला फालसे का, इसके ऊपर फालसे लगते हैं अभी, इसको काटा हुआ है, इसके ऊपर फालसे लगते हैं। तो भाई ये छोटा सा हमारा गराज है, गराज में छोटी सी हमारी गार्डनिंग की हुई हमने, बड़ी मज़ेदार की, तो बड़ा सुकून और बड़ा फ्रेश फील होता है यहाँ पे। और बस मुझे सारी जुबैर इधर आ, जुबैर इधर आ भाई। तो भाई ये जुबैर भाई आपको बताते हैं कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ भाई ये कौन कौन से हैं जुबैर, ये कौन सा है? ये ग्रे फ्रूट। ग्रे फ्रूट्स का है ये, जामुन का, ये वाला कौन सा है? जामुन का। ये बर्गर बॉयज जो है उनको नहीं पता होगा, बर्गर लोगों को शायद पता हो जामुन का, ये जामुन का है। और ये मैंगो का। हाँ ये वाला तो मैंगो का, ये तो मुझे पता था, देखा ये मैंने सही बताया था। ये लेमन का, ये लेमन, ये भी लेमन का ही है। और ये वाला छोटा वो फ्लावर, वो फ्लावर्स ही हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स लगे भी हुए हैं, देखें ये देख रहे हैं माशाल्लाह कितना प्यारा फ्लावर लग रहा है। और इधर आ जाते हैं, इधर ये भी शायद मैंगो का ही है, ये वाला कौन सा? ये वाला, ये कली का है। कली, कली मुझे भी नहीं पता। और वो भी फ्लावर, वो भी नॉर्मल फ्लावर्स हैं। ये भी कलियाँ लगी हैं इसके ऊपर, आप देख रहे हैं वाइट वाइट फूल लगे हुए हैं, छोटे 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 छोटे। और ये क्या है? ये मूली, ये मूली लगी हुई है। और ये लेमन आपको मैंने दिखाया पहले भी। और उसके पीछे कौन सा है लेमन के बैग पे, वो बड़ा वाला? माल्टे का है वो। और उसके साथ वो शो पीस, ये वाला शो पीस ही, ये शो मेहंदी का है, शो पीस है वो मेहंदी का, उसके साथ मेहंदी का। अच्छा जी, ये फालसे का। हाँ ये तो फालसे, ये तो पता है तुम्हें। ये वो अनार का, कौन सा अनार का है? वो ये वाला। हाँ ये जो जड़ा हुआ फूल जी, ये अनार का है भाई, इसके ऊपर अनार लगते हैं। मूली निकली है इतनी सी, ये देखें भाई घर की मूली, वाह जी वाह क्या बात है। जुबैर भाई हमारे मास्टर हैं इस चीज़ में, ये देखिए इनने मूली निकाली माशाल्लाह घर की। ओहो भाई साहब ये अभी हमने ताज़ा आपके सामने निकाली है, ये भी धोइए। और इतनी मीठी है क्या कहने, बाहर से लेकर आओ, बाहर से तो फारिक होती है कड़वी चीज़ है जैका, ये इतनी मीठी है ना आपकी सोच है। हाँ हाँ मज़ा आ गया। तो भाई जान शाम की 3 बज रहे हैं और आपका भाई मोटरसाइकिल पे बैठा है, और भी टाइम टपा रहे हैं हम, किसी ना किसी तरह टाइम टप जाए बस हमारा। अभी 3 घंटे हुए हैं, मैं बैठा था तकरीबन 11 बजे, 12, 1, 2, 3 अभी तक 4 घंटे हुए हैं यार। और मुझे लग रहा है मैं पता नहीं कितनी देर से यहाँ बैठा हूँ, मुझे नींद चढ़ रही है इस टाइम पर, और साथ साथ भूख भी अब लगने लग गई है। तो बैर से कहता हूँ यार कुछ ला के दे मुझे अंदर से। ये खाली कुर्सियाँ, खाली टेबल, ये बेंचेस, ये गार्डन, और ये आपका भाई अकेले इस गैराज में बैठे हैं, और एक अदद ये बाइक भी खड़ी है। इस टाइम पे ठंडी चुस्से टेबलों के अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो मामू को तंग करते हैं, सुबह से बस मूलियाँ खाई हुई हैं।
उसको कहते हैं कि खाने के लिए लेकर आए, कुछ तंग करेंगे हम। नहीं जी भाई जान, अंदर आ जाए, अंदर आकर खाना पड़ेगा। अंदर आ जाए, अंदर आपको हर चीज मिलेगी, आप जो भी। हाँ हम ऐसे ही करेंगे, आप अंदर आओगे। हम अभी अभी गोलगप्पे लेकर आए हैं, वो अंदर आओगे तो आपको मिलेंगे, बाहर हम नहीं लेकर आएंगे। अंदर आ गए तो आपको गोलगप्पे जरूर मिलेंगे। टेबल आते हैं मेजर, टेबल बस आते हैं, आ ही जाते हैं भाई को। 100 तक आते हैं, 100 तक टेबल आते हैं भाई को। अच्छा जी, मुझे 10 तक आते हैं। मामू को भी तकरीबन 10 तक ही आते हैं आपके को। अच्छा जी, अब्दुलरहमान जान से लूडो लेके, लूडो खेलते हैं। फिर मेरा एक काम करो। क्या काम? लो अच्छा, मुझे ला के नहीं दे रहे खाने को, देख गोलगप्पे लेकर आए, ला के नहीं दे रहे, किन्नू ले आए हैं। ठीक है भाई। लो जी अभी हम बैठ गए लूडो खेलने, देखते हैं। ये अब मेरी और अब्दुलरहमान की टीम है, आदिया और जुबैर की टीम। आदिया खुश हो आप, हैं जीत गई हो, हैं बोल नहीं रही अब देख, हैं क्या हुआ अभी, अब तो आप जीत गई हो। चल जुबैर अब खिला दे कुछ। हाँ, भाई अंदर जा गोलगप्पे ले आ भाई, क्यों मुझे जलील कर रहा है। गुड़गुड़ करवा चूहे दड़ा रहे थे आपको फिर। ऐसे ही मैंने अगले तीखा सुना, उसमें कहते हैं कि ना एक बच्चा अपनी माँ से कहता है भाई के पेट में स्पोर्ट से, माँ कहती है क्या मतलब, कहता है भाई कह रहे हैं मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो उठे ले आए अब, हमें भी भूख लगने लगी। अब्दुलरहमान पहले ही बहुत ठंड हो रही है, तू और ठंडी चुस्से मार रहा है। ये देख रहे हो क्या कुछ करना पड़ता है वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल और लाइक कर दो, कम से कम 5000 लाइक्स दे दो, ताकि आपका भाई ऐसे मज़ेदार वीडियोस और बनाए। ठीक है, चैलेंजेस करे और इस तरह के मज़े मज़े के चैलेंजेस करे, ताकि आप लोगों को भी देखने में मज़ा आए और भाई का भी ना फ़ायदा हो जाए। सब्सक्राइबर बढ़ा दो, बस ठोक दो सब्सक्राइबर के बटन को, ठा 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 बस दबा दो। नाजरीन फाइनली हमारे गोलगप्पे आ गए हैं, अब हम गोलगप्पे खाने लगे हैं।
और देखो गोलगप्पा मुंह में डालते हैं तो फाटता है कि नहीं फाटता है। तो भैर साहब जी, गोलगप्पा मुंह में डाले कि फाटता है कि नहीं फाटता? फाटेगा। मुंह धोने से जोर लगाएंगे तो फाट जाएगा। ये हमारा बॉनफायर लग गया, आग चल पड़ी है और मज़ेदार मौसम होने जा रहा है। गोलगप्पे प्लस बॉनफायर, ओए होए क्या मिक्सचर है। आई लव यू ज़ुबैर साहब, छा गए। तो भाई मोहिब भाई ये आपके, और जलमी भाई ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं ये दोनों बच्चे माशाल्लाह। ये आपके व्लॉग्स देखते रहते हैं, बट एयर इस टाइम पे अभी भी हादिया जो है आपका व्लॉग ही देख रही है। तो अगर जलमी तक ये वीडियो मेरी पहुंच रही है तो भाई प्लीज़ मेरे लिए ना आप ये वीडियो बनाएं, मेंशन करें, और इन बच्चों को जो है सहराएं। ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपकी हर वीडियोस देखते हैं, आपको वाजे आ रही होंगी महिब की। मामू ये जिन बटूटा आ गया हमारे घर में। ओए फिश, अबे यार, ओए होए ये बहुत जालिम बच्चा है, ये बहुत जालिम बच्चा है। ये देखे इसने, उसने मेरा हाथ साड़ दिया। ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ढक्कन जला लिया था ना मामू, देखे उसका अंगूठा जोड़। मेरा हाथ जो साड़ा तूने, वो मैंने आपको कहा था मामू हाथ साइड कर ले। कब कहा था? आपको कहा किसने उल्टे काम करने को? पहले तो मुझे ये बताओ ना जरा। ज़ुबैर भाई आप पे अब ना ये फट रहे हैं पर्चे, वो देख आया ये क्या कर रही है। तो नाजरीन हमारी हो चुकी हुई है बस तकरीबन, क्योंकि ठंड हो रही है टका के, और सीन कुछ इस तरह के हैं कि हम आग चलाते हैं और फिर आग बंद हो जाती है, हमें लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं। तो रात हमारी जो होगी ना यहाँ पे मुश्किल है। हम लोग फिर अंदर ही चलते हैं। अगर आप हमको वीडियो पसंद आए तो भाई जान ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।